नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट आपका स्वागत करते हैं मेरे कुकिंग चैनल पे, जिसका नाम है हेल्दी जायका। क्यों, नाम तो याद रहेगा ना? तो चलिए कुछ अच्छा बनाने चलते हैं। आज हम बात करेंगे वेज फ्राइड राइस। वेज फ्राइड राइस, हाँ मतलब ढेर सारे वेज और राइस के संग कंबाइन करके एक अच्छी रेसिपी। हम लोगों ने खाई ज़रूर होगी बाहर और बहुतों का फेवरेट भी होगा, मेरा खुद का फेवरेट है। तो चलिए कुछ अच्छा बनाने। राइस के लिए पानी हमने पैन में गैस पे चढ़ा दिया है। पैन हमेशा बड़ा रहेगा। इसमें हमने इस कप से, मेजरिंग कप से 5 कप पानी लिया है एक कप राइस के लिए। राइस अच्छे क्वालिटी का लीजिएगा। 5 कप पानी हमने इसलिए लिया है क्योंकि पानी ज़्यादा रहेगा तो चावल को चलाने में आसानी होगी और चावल आपस में चिपकेंगे भी नहीं। तो तब तक हम वेट करते हैं पानी के उबल जाने के लिए। 1 कप राइस हमने लिया है, बासमती राइस। देखिए पानी उबल गया था तो हमने उसमें राइस डाल दिया है। अब थोड़ी थोड़ी देर पर चला के चेक करते रहेंगे चावल हुआ है कि नहीं। चावल हमें पूरा नहीं पकाना है, तकरीबन 80% पकाना है। अब चावल हमारा पक गया तो उसको हमने पानी से धो लिया है, एक्स्ट्रा स्टार्च निकल जाए, और उसके बाद हमने रिफाइंड ऑयल मिला दिया है जिससे वो आपस में चिपके नहीं। जब भी आप फ्राइड राइस बनाएं तो कोशिश करें पहले ही राइस बना लें थोड़ी देर पहले, या तो उसको किसी कपड़े पर फैला दें जिससे वो सूख जाए। घर के बनाए वेज फ्राइड राइस में और स्ट्रीट स्टाइल में बने वेज फ्राइड राइस में फ्लेवर का अंतर क्यों आता है? क्योंकि वो हाई पे बनता है और दूसरा उनका जो बर्तन होता है वो फैला हुआ रहता है। तो घर पे तो बनाना थोड़ा मुश्किल है, पर वो फ्लेवर पाना इतनी भी मुश्किल नहीं है। घर पे आपको हीट तो उतनी अच्छी नहीं मिल पाएगी, पर आपको बर्तन का यूज़ अगर बढ़िया तरह से करोगे, अच्छा बर्तन यूज़ करोगे, फैला हुआ पतला जिसमें हीट अच्छे से आ सके, तो ये फ्लेवर आना उतना भी मुश्किल नहीं है। ये है इंग्रेडिएंट्स वेज फ्राइड राइस के। ये है 2 हरी मिर्च बारीक कटे हुए, 1 इंच, अदरक का टुकड़ा बारीक कटा हुआ, 6 से 7 बड़े पीस लहसुन के बारीक कटे हुए। सब काटे जाएंगे चाकू से, ना पीसे जाएंगे ना ग्रेट किए जाएंगे, क्योंकि अगर इसमें मॉइस्चर रहेगा तो बाद में पैन में चिपकेगा। और वेज फ्राइड राइस में अगर वेज नहीं है तो क्या है, आप भी ज़्यादा वेज यूज़ करें, मुझे भी पसंद है, क्योंकि इनके भुनने के बाद जो फ्लेवर आता है वो बहुत अच्छा लगता है। ये शिमला मिर्च आधी बारीक कटी हुई, ये 1 मीडियम साइज का प्याज बारीक कटा हुआ, ये 1 छोटा साइज पत्ता गोभी का बारीक कटा हुआ, और 1 कैरेट बारीक कटे हुए। गैस पे हमने अपना बड़ा पैन पहले से चढ़ा दिया था जिससे वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा। फिर उसमें 3 से 4 चम्मच तेल डाल लें, रिफाइंड ऑयल ज़्यादा काम अच्छा करेगा। इसके बाद इसमें बारीक कटे हुए लहसुन, मिर्च और अदरक के टुकड़े डाल के भून लें। सब कुछ तेज आंच में भुना जाएगा, इसका ध्यान रखिएगा, और बहुत ज़्यादा भी नहीं भूनना है। 5 से 10 सेकेंड सब इंग्रेडिएंट्स में लगेंगे, सब ये फटाफट रेसिपी है, इसमें आपको कोई चीज़ की वेट नहीं करना है। अब इसमें हम प्याज डाल के थोड़ा भून लेंगे और वेट करेंगे कि ये अच्छे से भून जाए। थोड़ा चला लेते हैं जिससे ये जले ना, क्योंकि पैन हमारा बहुत ज़्यादा गर्म है। अब इसमें हम गाजर डालेंगे। गाजर को थोड़ा पकने में टाइम लगता है तो ध्यान दें, इसको थोड़ा पकाएं। आपको केवल हल्का सॉफ्ट करना है, ना ज़्यादा पकाना है ना जलाना है, बस थोड़ा सॉफ्ट करना है, इस बात का ध्यान रखें। अब इसमें पत्ता गोभी डालेंगे हम, इसको भी थोड़ा पका लेंगे, और पत्ता गोभी को थोड़ा ज़्यादा पकाएं जिससे इसका भुनने का फ्लेवर अच्छा आता है। आपके वेज फ्राइड राइस में इसका फ्लेवर बढ़िया आएगा। भून लें, चलाते रहें, क्योंकि हमारा पैन अच्छे से गर्म है। मुझे टॉस करने आता है तो मैं टॉस करूंगा। अब लास्ट में डालेंगे शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को ज़्यादा नहीं पकाया जाता, वो थोड़ा जल्दी पक भी जाता है, तो लास्ट में शिमला मिर्च डालें और उसको थोड़ा सा ही भूनें। फिर भी वो हाई हीट में ही
किया जाएगा। देखिए मैं टॉस कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा आता है, मेरा पैन बड़ा है, आप भी कोशिश करें, धीरे धीरे आ जाएगा, पहले ही दिन ना करें वरना सारे पैन छोड़ के सब बाहर हो जाएंगे इंग्रेडिएंट्स। देखिए ये देखिए मैं टॉस कर रहा हूँ, आप भी करते रहिए, धीरे धीरे आपको भी आ जाएगा। बर्तन मेरा देख रहे हैं ना कितना बड़ा है। हमेशा घर पे जब भी बनाएं बाहर के स्ट्रीट स्टाइल में कोई भी फूड, तो बर्तन हमेशा बड़ा लें, फैला हुआ, जिसमें आपको पकाते वक्त कोई भी चीज़ चिपके ना। अब इसमें हम राइस डालेंगे, राइस में हमने हल्का सा ऑरेंज कलर दिया था जिससे उस और खूबसूरत लगे। में हमने राइस ऐड कर दिया है, अब फ्लेम को लो कर दीजिए। अब सारे इंग्रेडिएंट डालिए, इसमें तकरीबन एक स्पून सोया सॉस, एक स्पून वेनेगर, एक छोटा चम्मच नमक और लास्ट में थोड़ा सा अजीनोमोटो। और हाँ, काली मिर्च के बारे में तो हमने बताना भूल ही गया, इसमें तकरीबन आधा चम्मच बारीक पीसी हुई काली मिर्च भी पड़ेगी। तो अब काली मिर्च हम डाल लेते हैं और फिर इसको थोड़ा और भूनते हैं। ये देखिए मैंने काली मिर्च डाल दी है, अब इसको थोड़ा और भूनेंगे, फ्लेम हाइट पे ही रहेगा। देखिए ये कितना धीरे धीरे अपना रंग लेना शुरू कर दिया है मेरे दोस्तों, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। थोड़ा चलाते रहें, अगर आपको टॉस करने नहीं आता तो आप हल्के हाथों से ज़्यादा उनको चलाना नहीं है, बस आराम से चलाते रहें। ये देखिए कलर, देखिए फ्राइड राइस का कलर आने लगा है। इसको अभी मगर थोड़ा हमको और भूनना है। ये देखिए रंग देखिए, लगभग हमारा फ्राइड राइस तैयार है। बस कुछ सेकंडों में ये सर्व करने के लिए रेडी होगा। ये देखिए मैं टॉस कर रहा हूँ, आप भी कीजिएगा, जल्दी ही आप भी सीख जाओगे। हाँ सीखना पड़ेगा, पर पहले ही दिन सब मत करने लगना। ये लीजिए तैयार होगा हमारा वेज फ्राइड राइस, अच्छी लग रही है ना। एक एक चावल के टुकड़े अलग हैं और वेज भी अच्छे से पकी हुई है। अब इसको अच्छे से गरम गरम सर्व कीजिए और हो सके तो पनीर चिल्ली के साथ खाएं, बहुत ही अच्छा लगेगा। बस इतना ही, तो अब मिलते हैं इस चैनल की अगली रेसिपी वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ओह सॉरी, याद रखिएगा अगर कुछ अच्छा खाना है तो अच्छा बनाना है।